सही सुभान अल्लाह इल्ला मालूम चला अल्लाह तआली के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحة عند لقاء ربي ولخلوه فبالصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصوم جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني منكم صائم متفق عليه محترم حاضرين میں نے حمد و صلوات کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی جو الگ الگ الفاظ سے मरवी है थोड़े थोड़े फर्क के साथ एक जामे हदीस पढ़ी। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्ने आदम युज़ाफ, इब्ने आदम का हर अमल गुनाह दर गुनाह होता है। यानी एक अमल आपने हमने किया उसको अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता है, कई गुना बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला जो है अजर व सवाब से नवाजता है। अल हसनतु बि अशर अमसाल, हर नेकी 10 गुना और 10 मिस्ल के जैसी होती है। इला सबई मिअत ज़िफ, 700 गुना तक। इस हदीस के बारे में शेख अब्दुल रहमान बिन नासिर कहते हैं कि ये कितनी अजीम शान हदीस है, इसमें तमाम आमाल का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमी तौर से जिक्र किया और रोजे का खुसूसी तौर से जिक्र किया, उसकी फजीलत बयान की, उसकी खुसूसियत का जिक्र किया और दुनिया और आखिरत में उसके अजर व सवाब का तज़किरा किया, रोजे की हिकमत भी बयान की, इसका मकसद भी बयान किया और रोजेदार को हालत रोजा में कौन से आदाब इनका लिहाज रखना चाहिए उसका भी तज़किरा कर दिया। ये सारी चीजें इस एक हदीस में है। चुनांचे सबसे पहले मुबय्यना हादल असल जाम, सबसे पहले अल्लाह तबार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक बुनियादी उसूल और जामे उसूल बनाए बताया उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह तबारक व तआला का, जो एक बहुत बड़ा फसल है। वो क्या है कि जितने भी आमाल सालेहा है, अक्वाल हो अफआल हो, जाहिरी हो बातिनी हो, उसका हक वो उसका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से हो या बंदों के हुकूक से हो, ये सारे आमाल इस उम्मत मोहम्मदिया के लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ा कर रखे। हाँ, यानी 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, उससे भी कहीं ज्यादा। यानी आपने हमने अगर एक नेकी की तो कम से कम एक का 10 मिलना ही, अब उस 10 से अल्लाह तबारक व तआला 700 तक या उससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है। शेख ने कहा कि ये अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम की वसात पर बहुत बड़ी दलील है कि बंदों के ताल्लुक से, मखलूक के ताल्लुक से एक तो उसका फजल अजीम शान है, लामहदूद है, और बंदों पर उसकी बड़ी मेहरबानियां है और खास तौर से अपने मोमिन बंदों पर उसका फजल व एहसान जबरदस्त है कि उसने उनकी उनके गुनाहों को, हम आप कोई अगर गुनाह का इर्तिकाब करते हैं तो एक गुनाह के बदले में एक ही गुनाह मिलेगा, एक ही बुराई लिखी जाएगी, लेकिन और नेकी का मामला ऐसा रखा कि एक नेकी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने 10 नेकी कम से कम रखी है और उससे भी बढ़ाकर अल्लाह की मगफिरत इससे कहीं मुस्तदाद होगी। अब हसना कह रहे हैं कि इसकी शेख ने कहा कि जो नेकी हम करते हैं उसकी सबसे कम इजाफा जो अल्लाह ताला करेगा वो 10 गुना है, और कभी कभी इस 10 गुना से ज्यादा मुख्तलिफ असबाब की वजह से और सवाब बढ़ता जाता है। जैसा कि मैंने कहा, एक नेकी की एक के बदले अल्लाह ताला 10 तो देगा, और कुछ असबाब ऐसे भी हो सकते हैं कि 10 से बढ़ता जाए। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी के अंदर कुव्वत ईमानी ज्यादा है, हमने कल परसों और हर मरतबा इखलास की बात की,
एक आदमी का इखलास ज्यादा कवी है, एक आदमी का इखलास में थोड़ी सी कमी है। तो जिसका कवी हुआ, ईमान मजबूत हुआ, इखलास मजबूत हुआ, उसका कम दर्जे के इखलास माने से दर्जा ऊंचा हो गया, अजर व सवाब बढ़ गया। इसी तरीके से वह कमाल इखलास ही किसका, किसी का कामिल है, किसी का कम दर्जे है। चुनांचे जितना ईमान कभी होगा और जितना इखलास बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा अमल का सवाब और अज्र बढ़ता जाएगा। इसी ही खबीर से एक चीज इन्होंने बयान की कि अमल का कोई बड़ा मौका है, नेकी का खास मौका है, उस मौके पर नेकी करना। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास मौके पर कहा कि इस मौके पर खर्च करो, अल्लाह का घर बन रहा है उस वक्त, तो अल्लाह के घर की तामीर में जरूरत है, आपने वहां खर्च की। आपके पास एक भूखा आदमी आ गया, भूखे का खाना खिलाना उस वक्त ज्यादा अहम है किसी दूसरी नेकी के मुकाबले में, आपने उस मौके पर जो मौके का तकाजा है वो अमल किया। तो कोई नेकी ऐसी होती है जिसका अहम मौका और ज्यादा असर होता है। जैसे मैंने पहले दर्स में बयान किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा साबिकुनल अव्वलीन ने इब्तिदाई जमाने में जो एक सा और आधा सा, एक मुद और आधा मुद खर्च किया अल्लाह के रास्ते में, वो बाद के लोगों के उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का से भी ज्यादा अफजल और भारी है। बाद के लोग उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करेंगे, तो उस एक मुद आधे मुद किलो आधा किलो को नहीं पहुंचेंगे। कितना बड़ा फर्क है, क्यों ये फर्क है? सहाबाए कराम ने इस मौके पर इब्तदाई दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लबैक कहा, कलमा पढ़ा, आपका साथ दिया, वो बहुत नाजुक मामला था। उस वक्त कलमा पढ़ना पूरी दुनिया को दुश्मन बनाना था, उस वक्त खालिस ईमान वाले ही ईमान का मुजाहरा कर सकते थे। वो या उनका इखलास, उनका जज्बा, उनका ईमान बहुत कमी था, उस मकान को बाद का कोई शख्स नहीं पहुंच सकता। वो मौका महल ऐसा था कुर्बानी का। कोई मामूली आज हम और आप अपने आप पर गौर करें, अपने समाज में अगर कोई अमल हमको लगता है कि ये सही है, लेकिन लगता है कि ये अमल करेंगे तो कुछ लोग हमारी मुखालफत करेंगे, परेशान करेंगे, तो कौन झंझट में पड़े? छोड़ो, सही है लेकिन झंझट में नहीं पड़ना है। अच्छा अमल जानते हुए हम नहीं करते, कितनी नेकियां नहीं करते, कितने गैर मुस्लिम ये जान जाते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है, कबूल करने की हिम्मत नहीं करते, दुनिया का अजाब, लोगों की मुखालफत को ज्यादा सख्त समझते हैं। हमारे मुसलमानों में कितने लोग हैं जो जान जाते हैं कि कुरान और हदीस का मनहज, तरीका, मसलक सही है, लेकिन बाप दादा से जो मसलक चला आ रहा है, जिस माहौल में हम बूदोबाश इख्तियार करके बड़े हुए हैं और जिस माहौल में हमारे रिश्ते, ताल्लुकात, दोस्त अहबाब है, उसको छोड़ना बहुत भारी है। गोया अल्लाह तबारक व तआला की खुशनूदी के मुकाबले में लोगों को खुश करना उनके नजदीक ज्यादा अहम है। अल्लाह ताला के अजाब के मुकाबले में लोगों की मुखालफत उनके नजदीक ज्यादा सख्त है। ये जो एहसास दुनिया का, हम गौर कीजिए कि ये जो है सहाबाए कराम इन सब चीजों से उठकर महज अल्लाह के लिए सब कुछ करने वाले थे। तो शेख ने कहा कि किसी नेकी का खास मौका होता है, आपने मौके पर खर्च किया, जैसे जिहाद और इल्म का मौका आया आपने वहां खर्च किया, इसी तरह आम दीनी मशरूआत, कोई दीनी मंसूबा और मुसलमानों के लोगों में फायदे का कोई काम हो रहा है उस वक्त आपने खर्च किया। हाँ, ऐसे कोई मामला होते हैं, बल्कि कल कल अमल नजी कविया में हुस्न कुत है, और ऐसे ही वो अमल जो अपने हुस्न और कुत में मजबूत हो, हाँ, और मुआरजात को दफा करने में मजबूत हो। मतलब कोई अमल आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप जो है पूरे अहकाम आदाब शराइत का लिहाज रख रहे हैं, और जो चीजें उस अमल में खलल या कमी पैदा करती हैं उससे आप अपने आप को, अपने अमल को बचा रहे हैं, तो उसका दर्जा बढ़ जाएगा। मिसाल ऐसी और भी कोई कई चीजें हैं। एक नमाज आप पढ़े, मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो घर की नमाज के मुकाबले में अल्लाह के रसूल की हदीस है 25 गुना ज्यादा अजर मिलेगा, बाद रिवायतों में है 27 गुना। तो ये 25 और 27 दो तादाद आई है। पहले मैंने कहा कि इसके असबाब होते हैं, नमाज के दर्जात और अजर व सवाब कई चीजों से बढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो मौजूद हैं आप हज़रात, इनमें से किसी का घर जो है वो मस्जिद के पड़ोस में होगा, बगल में होगा, किसी का घर जो है वो 100 फीट पर है, किसी का 100 मीटर पर है, कोई और लंबे और फासले से आ रहा है। तो अब जो जितने फासले से चलकर आ रहा है, आप और हम जानते हैं अल्लाह के रसूल फरमाया कि मस्जिद के लिए जब कदम बढ़ाता है बंदा तो हर कदम के बदले में उसको अजर व सवाब मिलता है। तो अब जो जितनी दूर से आ रहा है, कदम बढ़ा रहा है, उसका उतना अजर सवाब बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से
एक शख्स तकबीर तहरीमा या पहले से आके नमाज का इंतजार कर रहा है, अजान हुई मस्जिद पहुंच गया, अब कितनी देर अलवार को फी सलाती माकारा इंतजारो आदमी जब तक नमाज के इंतजार में रहता है ना, नमाज के लिए आया, जब तक इंतजार कर रहा है तब तक नमाज में है, नमाज के लिए चल रहा है, अलवार को फी सलाती माकारा यामी दो इला सलाती, दूसरी हदीस है, जब नमाज की तरफ चलता है इरादा करता है तो वो नमाज में दाखिल हो गया। इसी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाज के लिए चलो तो वकार सुकून के साथ आओ, हड़बड़ी जल्दबाजी हंगामा हराई ना करो चीखो चिल्लाओ नहीं, क्योंकि आप जब अल्लाह की इबादत के लिए चल रहे हैं तो गोया आप अल्लाह की इबादत में शामिल हो गए। तो अब जितना कदम आप बढ़ा रहे हैं या जितना इंतजार कर रहे हैं, आप तकबीर तहरीमा में इमाम के साथ शामिल हो रहे हैं, तो एक आदमी तकबीर तहरीमा के बाद आ रहा है, एक आदमी एक रकत के बाद आ रहा है, दो रकत के बाद आ रहा है, आखिरी रकत में आ रहा है, तो जो जितना पहले आया उसका उतना ज्यादा अज्र बढ़ता रहेगा। ये मैं कुछ मिसालें जो शेष में भी और एक दो मिसालें अपनी तरफ से बयान कर रहा हूं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आमाल के दर्जा जो कम से कम 10 तो मिलना, 10 से जो बढ़ता है, किसी को 100 गुना, किसी को 200, 700, 700 मिल जाते से भी ज्यादा। वो जो आयत है इंफाक की कि मतलब नदी नहीं थे गुना अब्बा लहू फी सबीलिल्लाह रमसले हब्बतिन अब्बतत सुंबुलतन फी कुल्ली सुंबुलतिन में अर्ब हब्बा वल्लाह युदाइफ लिमन यशा, कुरान की आयत है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना जिसे जमीन में बोया जाए, वो उस एक दाने से 7 बालियां, सबहा सनाबिल 7 बालियां निकलती है, मैंने शायद आयत में सबहा छोड़ दिया था, 7 बालियां निकलती है, हर बाली में 100 दाने, एक दाने से 7 बाली और 7 बाली में से हर बाली में 100 दाने, 700 हो गई। अल्लाह युदाइफ लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है और बढ़ाता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की फजीलत बताई। ये इन्होंने कुछ मिसालें देने के बाद एक बड़ी प्यारी मिसाल दी, इसी तरीके से अस्हाबे गार के किस्से में और जो अल्लाह के रसूल ने बताया वो फाहिशा और जानिया औरत जिसने कुत्ते को पानी पिला दिया था, एक जानिया औरत, अस्हाबे गार वाला वाकया, तीन लोग जो है फंस गए थे, अपनी नेकियों को याद किया और खालिस अल्लाह के लिए किया था। उस रिवायत में आप देखिए कि खालिस अल्लाह के लिए की गई अमल को उन्होंने जिक्र किया, हमको इसके बदले में इस मुसीबत से निजात दे दी। ऐसे ही एक औरत जिस जो जानिया है बदकार थी, उसने एक प्यासे कुत्ते को देखा कि वो मिट्टी पर अपनी जबान लगा रहा है, प्यासा है, तो उसने कुएं से पानी निकालकर उस कुत्ते को पानी पिला दिया। वो औरत जानिया थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बख्श दिया। इसी तरीके से कुछ एक औरत के बारे में इसके खिलाफ हमें मिलता है कि उसने एक बिल्ली को बांध दिया था, ना खुद खाना खिलाया और ना उसे छोड़ा कि वो अपना शिकार अपना खाना हासिल करके खा ले, वो मर गई, उसकी वजह से अल्लाह ने उसको जहन्नम रसीद कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम ऐसे देखते हैं कि बिल्ली को पानी पिला देना कितनी बड़ी नेकी है, इसकी वजह से आदमी जन्नत में चला गया। अब इसमें उस फहमी में मुब्तला हम ना हो जाए कि भाई एक ठीक है कि उसने तो बिल्ली पिलाया, हम इतने रोजेदारों को इफ्तार करा रहे हैं, इतने फजीलत का काम करा रहे हैं, तो हमारे लिए तो बिल्कुल पक्की जन्नत है एक बिल्ली को पानी, लेकिन वो बिल्ली को पानी पिलाने वाला मौका महल, उसका पानी पिलाने का जज्बा, ये अल्लाह जानता था। तो उसके जज्बे इखलास नीयत वक्त और मौका महल का अमल, इसकी बुनियाद पर एक छोटा दिखाई देने वाला अमल बहुत बड़े असरात और अजर सवाब का सबब बन जाए। ये चीजें हैं, अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है। इसी तरह वो अमल जो बहुत सारे दूसरे आमाल को नतीजा देता है, कोई एक अमल आपने ऐसा किया कि आपने एक ही अमल किया लेकिन आपके एक अमल की वजह से दूसरे बहुत सारे लोग अमल कर रहे हैं, आपने एक बच्चे को तालीम दे दी, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लोग इसको गैर अहम समझते, दूसरी जगहों पर खर्च कर देना, उलमा पर तलबा पर खर्च करना हमारे समाज में हिंदुस्तान में इसको बहुत कम लोग समझते हैं, ये कोई मामूली नेकी नहीं है। आपने एक आलिम को तैयार किया, एक इमाम आलिम दाई मुबल्लिग का खर्च आपने अपने जिम्मे ले लिया। आजकल हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं होता, पहले होता था और इस्लामी हुकूमत में होता था, बड़े बड़े जो अइमा मुहद्दिसीन बेफिक्री से काम करते थे ना दीन का दावत का, बड़े बड़े रऊसा ओबरा बादशाह उनका वजीफा मुकर्रर कर देते थे कि आपका खर्च कितना है मंथली, इतना है, उससे बढ़ाकर हम देंगे, आप पांच के चक्कर में मत पड़ो, आप दीन का काम करो, किताबें लिखो, दावत का काम करो। तो अब एक नेकी आपने की, एक मौलवी साहब को एक को आपने दाई बना दिया,
उसका महीने का खर्च आपने मुकर्रर कर दिया, या एक तालिबे इल्म को आप पढ़ा रहे हैं, अब वो 10 लोगों तक दीन पहुंचा रहा है, 50 लोगों को जो है सच्चे रास्ता या तरबियत कर रहा है, उनको तालीम दे रहा है, किसी एक इंसान को उसने मुसलमान बना दिया, किसी एक 10 आदमी को उसने शिर्क बिदत से तौबा करवा दी। सोचिए कि आपने एक खर्च किया एक आलिम पर, लेकिन वो आपका एक खर्च करना उस आलिम को जो बेफिक्र बना के दाई बना रहा है, कितने लोगों तक फैज पहुंचा रहा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें। एक आपने मस्जिद बनाई, आपने एक मस्जिद बना दी, लेकिन अब इस मस्जिद में नमाजें हो रही हैं, दुरूस हो रहे हैं, अल्लाह के दीन से मुताल्लिक बहुत सारे तालीम और तरबियत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, मर्दों के साथ साथ औरतों की भी यहाँ तरबियत हो रही है। तो आपने एक काम किया, लेकिन इस एक काम के साथ और कई काम हो रहे हैं, तो जितनी ये नेकियां आपके इस काम की वजह से होती जाएगी, उतना आपको अजर सवाब मिलता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कैसे, ये मुख्तलिफ असबाब है जिसकी बुनियाद पर दर्जात अमाल के अजर सवाब बढ़ते जाते हैं। कह रहे वयत कभी नहीं गैर हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई एक नेक अमल किया, आपकी देखा देखी कोई दूसरा ने कोई अमल करने लगा, तो उसका अजर उसको जो करने वाला है बाद में उसको तो मिल रहा है, साथ में आपको भी मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने सहाबी को जो अपने पीठ पर अनाज लाद कर लाया और पेश किया, उसको देखकर दूसरे सहाबा लाए, तो आपने कहा कि ये अच्छी सुन्नत और तरीका है। जो इस्लाम में ऐसा करेगा उसको खुद अपने अमल का भी, बाद वाले जो करेंगे उनके अमल का अजर तो उनको मिलेगा, साथ में इस पहले करने वाले को भी मिलेगा। यही हाल गुनाह का भी है। काबिल ने पहला कत्ल किया, अब दुनिया में जो भी कत्ल होगा उस काबिल को गुनाह जो मिलेगा मिलेगा, हबीब को भी मिलेगा, क्योंकि उसने दुनिया में सुन्नत कत्ल जारी की। तो ऐसे ही नेकियों का मामला है। तो आपने कोई ऐसी नेकी की दूसरों के लिए नमूना बन गया और वो आपको देखकर वो नेकी कर रहा है, तो उसका अजर सवाब मिलता जाएगा। या फिर कोई शिरकत करने वाला उसमें शिरकत करता है, हाँ, इसी तरह किसी जरूरत को, जो परेशानियां जरूरत है, अजीम जरूरतों को दफा करना, हाँ, और ऐसी और भी कई चीजें कि आप किसी खास जगह खास मकाम पर इबादत कर रहे हैं। अब एक आम जगह इबादत करना, हरम में इबादत करना, उसका फर्क दर्जा बढ़ जाता है। हरम मक्का में आम जगह की आम मस्जिदों की नमाज के मुकाबले में लाख गुना बढ़ जाता है। तो मकाम है, मौका है, आप आम रातों में इबादत कर रहे हैं, लैलतुल कद्र में इबादत कर रहे हैं, आम दिनों में इबादत कर रहे हैं, रमजानुल मुबारक में इबादत करें। रमजान की इबादत के सिलसिले में 71 वाली रिवायत सही है, लेकिन जो हज वाली रिवायत है कि अलहुमरा को फी रमजान के रमजान में उमरा करना हज की तरह है, और बाद में कि मेरी तरह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे साथ हज करने की तरह। रमजान का उमरा हज का अजर व सवाब दिलाता है। कोई रमजान में ये मौका महल के इत्तेबार से नेकियां बढ़ जाती है, तो किसी जमान और जगह के वजह से जो है दर्जा बढ़ जाता है। इसी तरह कोई अमल करने वाला अल्लाह के नजदीक ज्यादा अजर मकाम और मर्तबे वाला है, तो उसका अजर सवाब बढ़ता है। ये चंद चीजें शेख ने बयान की, और कई चीजें एक आध दो मैंने बीच में अपने तौर से बयान की। ऐसे कई असबाब हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर आपका और हमारा अमल बढ़ता चला जाता है। ये अमल के दर्जात का बढ़ना, ये तमाम अमाल को घेरे हुए, गौर कीजिए, हर अमल, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, हर नेकी के लिए दर्जात बढ़ सकते हैं, उसका गुना बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी ये फजीलत है हमको, अब आपको, उम्मत मोहम्मदिया को, कि हम कोई एक नेकी अगर करते हैं अल्लाह उसका अजर 10 देगा, एक गुनाह करते हैं तो उसका गुनाह 1 ही देगा। अल्लामा इब्ने कसीर ने बास सलफ से ये मसला जिक्र करते हुए अपनी तफसीर में एक जुमला कहा है, मैं दोहराना चाहता हूँ, अक्सर दोहराता हूँ, कि वो शख्स कितना बदनसीब है, उम्मत मोहम्मदिया का वो शख्स कितना बदनसीब है कि कयामत के दिन इसके मीजान अमल में जब अमल का वजन होगा तो उसका 1 का 10 हल्का पड़ जाए और 1 का 1 भारी पड़ जाए। क्या मतलब? एक नेकी आपकी 10 के बराबर है कम से कम, तो वो हल्की पड़ जाए और एक गुनाह के बदले में एक ही है वो ज्यादा हो जाए, इतनी बड़ी बदनसीबी की बात होगी ना। एक उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारा बताया, मेराज की वो हदीस भी याद कीजिए, 50 नमाज का फर्ज कम करना, फिर 5 कर दिया जाना, और फिर ये ऐलान होना कि अल्लाह के पास कौलों का राह बदलता नहीं है, अल्लाह
अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए फैसला किया कि 50 नमाजों का सवाब देगा, आप और हम 5 और की नमाज पाबंदी से पढ़ें, अल्लाह 50 का सवाब देगा, 1 का 10। ये मिनिमम है, कम से कम इसमें और बढ़ता जाएगा, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इस हदीस में कुरान की आयतों और बाज़ मुस्लिम उसूस के हवाले से। शेख ने आगे कहा कि इस हदीस में जो हम पढ़ रहे हैं बुखारी मुस्लिम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नेकी का 1 के बदले 10 गुना, 10 से 700 और उससे भी ज्यादा हो सकता है। वस्तस्ना फी हाज़िल हदीस अस्सियाम, लेकिन इस हदीस में इस कायदे से रोजे को मुस्तस्ना किया गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तआला खुद कहता है अस्सौमुनी, ये अल्लाह के अल्लाह का फरमान, अल्लाह ने रोजे को अपनी तरफ मंसूब किया, उसकी निस्बत अपने आप की तरफ की, और ये कहा कि वो इसका अजर सवाब, इसका इसकी कोई गिनती नहीं है, इसका कोई पैमाना नहीं है 1 से 70 700 नहीं, महज अल्लाह ताला अपने फजल व करम से बगैर किसी मुकाबले और आपके और हमारे हिसाब किताब से हटकर, जिसमें के दूसरे सारे अमाल मुश्तरक है कि 1 से 10 और 10 से 700 गुना और उससे ज्यादा, ये सारे अमाल का मामला है, लेकिन रोजा इससे मुस्तस्ना है, रोजे का मामला इन अमाल से बढ़ा हुआ है। ये ऐसी चीज है शेख ने कहा कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, आला शैबुल्लायुब के ताबीर होना, ये ऐसी बात है, रोजे की ऐसी फजीलत है। रोजा इस माना में गौर कीजिए, नमाज रोजा हज इन तमाम नेकियों से एक अलग शान यहां रख रहा है कि अल्लाह ताला बजा के खुद कह रहा है कि अस्सौमुनी बहाना अज्जी भी, सारे नेकियों का 1 का 10 और 700 होगा, लेकिन रोजा अलग है, वो मेरे लिए और मैं ही उसका बदला दूंगा, मतलब ये एक खास हैसियत रखता है, खास शान और मर्तबा रखता है। अल्लाह ताला इस पर ऐसा अजर व सवाब देगा जिसमें ये गिनती विनती का कोई मामला नहीं है। शेख ने कहा कि इसका ऐसा अजर व बदला देगा जिसे किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, और किसी दिल ने सोचा नहीं। चुनांचे हदीस में गोया ये क्यों है, रोजे की ये खुसूसियत क्यों है, इसकी अगले जुमले में एक वजह भी बताई गई, इल्लत भी, गोया इस तफसीस की वजह आगे बयान किया गई, बयान किया अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ताला ने, कि रोजा ने जो आगे कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि यदा शहवतहु व ताअमहु मिन अजली, रोजेदार अपनी शहवत को, ख्वाहिशात को, खाने पीने को मेरी वजह से छोड़ता है। बाज़ रिवायतों में है कि अपनी लज्जत की चीज को, अपनी बीवी से फायदा उठाने को, अपनी जरूरत और जो जायज चीजों से वो पसंद करता है इस्तेमाल करना, वो सारी चीजें अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे लिए छोड़ता है, बंदा मेरे लिए ये सारी चीजों को छोड़ता है, मेरी वजह से छोड़ता है खाना पीना, वो या ये वजह है कि रोजा बंदे और अल्लाह के दरमियान का मामला है, और ये बंदे और अल्लाह के दरमियान का एक राज भी है। आप और हम अभी रोजे से हैं, गुस्ल खाने में गए, नहाते हुए पानी पी सकते हैं, किसी इंसान को, बशर को, घर वालों को पता चलेगा कि हमने रोजा तोड़ दिया या खाना पीना इस्तेमाल कर दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्यों? इसलिए कि हमें मालूम है कि हमने जिस जात के लिए रोजा रखा है वो हमें देख रहा है, वो हमारे दिल की खटक और इरादों को भी जानता है, अमल तो बहुत बड़ी बात, हमने एक कतरा जानबूझकर अलग से उतारा तो अल्लाह तबारक व तआला को इसकी खबर हो जाएगी, उतारने से पहले खबर हो जाएगी, वो उससे छुपेगा नहीं। लिहाजा एक रोजेदार जो ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखता है तो वो तन्हाइयों में भी खयानत नहीं करता, वो जानता है कि रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है, और यही इबादत और तक्वे का असल जौहर है। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों में यही हमारे आप में यही मादा को पैदा करना चाहता है। हम आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, इंसान, मुसलमान मस्जिद में मुसलमान होते हैं, सजदा रुकू अल्लाह को करते हैं, लेकिन बाजार में हराम खाते हैं, हराम बेचते हैं, सूदी लेन देन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शिर्क और बिदअत के कामों को देखकर पेशानी में बल नहीं आता बल्कि शरीक हो जाते, वहां मुसलमान नहीं रह जाते। अगर एक आदमी सच्चा मुसलमान होगा तो वो बाजार में हो, बीवी बच्चों के दरमियान हो, कारोबार में हो, अपनी ड्यूटी पर हो, हर जगह ये तसव्वुर और यकीन रखेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे अपने काम में खयानत नहीं करना चाहिए। चुनांचे अल्लाह ताला गोया ये कह रहा है कि जब रोजेदार अपने नफ्स के नजदीक महबूब चीजों को, जिसकी मोहब्बत और चाहत उसके तबीयत में मौजूद है, उन चीजों को छोड़ रहा है,
और उन चीजों की मोहब्बत पर अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह दे रहा है, मुकदम कर रहा है। हम खाना पीना हमारे मरहूब से मरहूब चीज आ जाए रोजे की हालत में, अल्लाह के लिए रोजा है तो हम हाथ नहीं लगाएंगे, मुंह में नहीं डालेंगे। क्यों? यहां हमारी उस खाने से मोहब्बत पर अल्लाह की मोहब्बत वाली है कि हम अल्लाह के लिए रोजा है और ये जरूरी उमूर में से है। तो चुनांचे रोजेदार अल्लाह की मोहब्बत को मुकदम रखता है। अब यही सबक महीना भर जो हम अमल करते हैं ना रोजे की हालत में, अगर जिंदगी में इसे इख्तियार कर लें तो लाअल्लकुम का माना हमें हासिल हो जाए, रोजे का मकसद मिल जाए और हम बेहतरीन मुसलमान बन जाए। और अच्छे मुसलमान बन जाए तो किसी ताकत हुकूमत की क्या मजाल, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अल्लाह की रहमत और मोहब्बत हमें बचाए। चुनांचे कह रहे हैं चुनांचे ये रोजेदार इन तमाम चीजों को इस तरह से छोड़ देता है कि अल्लाह के सिवा उस पर कोई मुबतला नहीं है और अल्लाह की मोहब्बत उसके नजदीक फैसल होती है और नफ्स की मोहब्बत के मुकाबले में गालिब होती है। चुनांचे वो अल्लाह ताला की मगफिरत उसके अजर व सवाब का तालिब होता है और अपने नफसानी अखराज के मुकाबले नफसानी ख्वाहिशात के मुकाबले में अल्लाह की पसंदीदगी और अल्लाह की रजामंदी को तरजीह देता है कि मुझे वो मिल जाए। मैं अपने खाने पीने को छोड़ रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों से लज्जत बीवी से लज्जत उठाने को छोड़ रहा हूँ, इसलिए अल्लाह ताला मेरे मुझसे राजी हो जाए। हाँ बलिहाजा इस तसल्लुत रोजे का ये मामला है, इसलिए अल्लाह ताला ने रोजेदार के अजर व सवाब को अपने लिए खास किया। अब ये जो तस्वीर मैं कर रहा हूँ यहाँ थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि हम में से हर रोजेदार क्या किस किस्म का जज्बा रखता है रोजा रखते हुए कि हम ये सारी चीजें छोड़ रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के हुक्म की तामील में। तो जिंदगी में हमको ये सबक मिला कि दुनिया में हम जहां भी जिए जैसे भी जिए हमारी जो भी ख्वाहिशात नफ्स हो पसंद नापसंद हो सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के ताबे होनी चाहिए, मातहत होनी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत से अगर दुनिया की कोई मोहब्बत टकरा जाए तो अल्लाह की मोहब्बत को हमें तरजीह देनी है। चुनांचे कह रहे हैं फमाज़न्नु का बेअज्र, तो अब सोचिए कि उस चीज का अजर व सवाब कैसा होगा जिसका खुद अल्लाह तबारक व तआला ने जो अर-रहमान अर-रहीम अल-करीम अल-मन्नान एहसान करने वाला अल-मन्नान है, करम करने वाला करीम है, रहमान और रहीम है, जो खुद कह रहा है कि रोजा मेरे लिए है मैं उसका अजर दूंगा, इसकी कोई गिनती नहीं है, तो आप सोचिए कि उसका कितना अजर व सवाब होगा, रोजे की कैसी अजीम अजीम शान जो है अजमत बन गई। चुनांचे अल्लज़ी अहमत मवाहिबहु, ये जिसकी अल्लाह तबारक व तआला रहमान करीम जिसकी नवाजिशें तमाम मौजूदात को घेरे हुए हैं, दुनिया की हर चीज आपको अल्लाह ताला नवाज रहा है अपनी रहमत से अपने करम से अपने फजल एहसान से, और उसके जो औलिया हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको तो खास हिस्सा मिलता है अल्लाह की तरफ से और सबसे कामिल दर्जा मिलता है अंबिया कराम को देखिए। हाँ, और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे असबाब और लुत्फ एहसानात को मुतय्यन करता है जिसे वो अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से इस तरह पाते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता और किसी के ख्याल में आ नहीं सकता। तो अब आपका क्या ख्याल है सोचिए, जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि इखलास वाले रोजेदार जो रोजा इखलास के साथ रखते हैं अल्लाह ताला कह रहा है कि वो मेरे लिए है उसका अजर नहीं दूंगा। शेख आगे कहते हैं कि यहाँ कलम रुक जाता है और रोजेदार का दिल जो है खुशी और दर्द से जो है वो उछल पड़ता है एक ऐसी फजीलत पर कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि उसके इस अमल को अल्लाह ने अपने लिए खास कर रखा है और उसकी जगह को अपने खालिस फजल व एहसान की तरफ फेर दिया है और ये कहा है कि उसकी कोई गिनती नहीं है, वो बेहिसाब अजर व सवाब दिया जाएगा। हाँ ये इसलिए भी कि बाज़ उलमा ने कहा कि रोजा दरअसल सब्र का नाम है, सब्र की बाज़ रिवायत में है अस्सौम निसफु सब्र, रोजा आधा सब्र है। तो और सब्र कितना अहम है इंशाल्लाह दूसरे दुरुस में आएंगे, इस वक्त हो गया है हमारी जिंदगी का कोई भी काम कोई भी मरहला नेकी का करना हो बुराई से बचना हो कोई मुसीबत तकलीफ सदमे का मामला हो हर जगह सब्र की जरूरत है। नेकी से अपने आप को नेकी पर कायम रखने के लिए सब्र की जरूरत है, बुराई से अपने आप को रोकने के लिए सब्र की जरूरत है, और अगर कोई मैयत हो गई सदमा और तकलीफ और गम का मामला हो गया वहां अपने आप पर कंट्रोल करना ये सब्र है। तो सब्र का मामला ईमान से ऐसे ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बताए और ये सब्र ईमान से ऐसा ही ताल्लुक रखता है जैसे हमारा सर हमारे धड़ से, अगर सर अलग कर दिया जाए धड़ से तो आदमी बेकार है मुर्दा है,
ایسے ہی اگر ہماری زندگی سے ایمان سے صبر ختم ہو جائے تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. روزہ آدھا صبر ہے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بلا حساب دے گا. اور یہ دیکھیے روزے کے معاملے میں بالکل صاف اللہ تعالیٰ اس حدیث میں کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا اجر دوں گا. کتنی عظیم الشان, یہ روزے کی یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی اور عمل کو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے. حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسیام الکامل, کہ کامل روزہ وہ ہے جس میں بندہ دو چیزوں کو چھوڑ دے. اس میں حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ مکمل روزہ وہ ہے جس میں بندہ دو چیزوں کو چھوڑے, ایک المفطرات الحسیہ, وہ چیزیں جو حسی طور پہ روزے کو توڑنے والی ہیں, جیسے کھانا پینا, نکاح کرنا ہے, بیوی سے ملاقات کرنا, ہم بستری کرنا, اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ان چیزوں سے بھی بچنا ہے جو ان کے ساتھ عملیہ عمل کو کم کر دینے والی, جیسے چنانچہ آدمی روزے کی حالت میں کوئی گندی بات نہ کرے, بےہودہ اور گندی بے حیائی کی بات نہ کرے, نہ چیخے چلائے گھر والے لڑائی والے کام کرے, اور نہ ہی کوئی حرام کام کرے, غیبت چغلی, اور نہ ہی کوئی حرام بات اپنی زبان سے نکالے, بلکہ تمام گناہوں سے بچے, تمام جھگڑوں سے, مناجات سے, جو کہ انسان کے اندر بغض اور عناد آپس میں نفرت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار فلاح جب روزہ ہو تو فلاح یرفث, یعنی کوئی بری بات بےہودہ بات اپنی زبان سے نہ نکالے, ولا یسخب, اور کہا کہ ایسی بات ایسا شور نہ کرے جس سے جھگڑے لڑائی کو جو ہے فروغ ملے. جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص جھوٹی بات کو نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پانی چھوڑے. اسی طرح چنانچہ آخر میں کہہ رہے ہیں فمن حقق الامرین, جس نے ان دونوں معاملات کو پورا کر دیا کہ مفطرات کو روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بچایا, اور ان چیزوں سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچایا. عام حالات میں بھی غیبت چغلی جھوٹ دھوکا ان چیزوں سے جھگڑوں لڑائی سے بچنا چاہیے, روزے میں بطور خاص بچنا چاہیے. تو جو ان دونوں چیزوں سے بچے گا ہاں تو اس کو یہ فضیلت ملے گی, اور جو ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے آپ کو روزہ رکھ کے بھی بھوک پیاس کی شدت سے صرف دو چار کرتا ہے, اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو برا کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو رہنمائی کی کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہو تو اور کوئی شخص آپ سے جھگڑا لڑائی کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہے یقول لہو بلسانہ, تو اس کو جواب میں کہے کہ دیکھو میں روزے سے ہوں. ہاں کیا مطلب ہے, یعنی میں تمہارا مقابلہ کرنے تم مجھ سے جو بدتمیزی یا لڑائی کر رہے ہو اس کا جواب دینے کی طاقت قدرت رکھتا ہوں, میں غصے نہیں ہوں, لیکن میں تم کو جواب اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میں روزے سے ہوں اور میرا روزہ مجھ کو روک رہا ہے کہ میں تمہارے گالی کا جواب گالی سے دوں, جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دوں, میرا روزہ مجھ کو روک رہا ہے, میرا رب مجھے روک رہا ہے, اس لیے میں تم کو جواب نہیں دے رہا ہوں. اور گویا روزے دار اس میں اگرچہ اس میں زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہے, بہت کم لوگ ہی عمل کر پاتے ہیں, اور جب یہ روزے دار کہتا ہے تو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے فضیلت والا ہوں کہ میرا روزہ مجھ کو جھوٹی یا غلط کام کرنے سے روک رہا ہے, تجھے نہیں روک رہا ہے, مجھے میرا روزہ مجھ کو صبر پر ابھار رہا ہے. ہاں تو جو میں کام کر رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے, جو تو کر رہا ہے یعنی جھگڑا کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. اس حدیث میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ العنایت بالاعمال کلھا من صیام وغیرہ مراعاۃ تکمیلہ, کہ ہم کو یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل اگر ہم دین کے لیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں پوری توجہ دے کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام بہتر سے بہتر اور مکمل سے مکمل طریقے پہ کریں. یہ شیخ اس سے بڑا اچھا مسئلہ نکال رہے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جب کسی سے جھگڑا ہو گیا نہیں میں روزے دار ہوں, میں روزے دار ہوں, یعنی اپنے آپ کو غلط کام سے بچائے, کیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنا روزہ سنبھالے. تو کوئی بھی نماز پڑھیں آپ, روزہ رکھیں, صدقہ و خیرات کریں, تلاوت کریں, قیام اللیل کریں, آپ کو اور ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل بہتر سے بہتر ہو, یہ مکمل طریقے سے ہو, اس میں کوئی کمی خامی نہ رہ جائے, اس عمل میں کمی کرنے والی چیزوں سے ہم کو دور ہونا چاہیے, اور اس کے عمل کے جو تقاضے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور وما یوجبہ العامل وقت حصول الاسباب الجارحۃ للعمل, اور عمل کے وقت جو نقصان پہنچانے والے چیزیں ہیں اس سے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس کا لحاظ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں ایک جملہ ہے, الصیام جنہ
रोजा ढाल है, यानी ये दुनिया में इंसान को गुनाहों से बचाने के लिए आड़ का काम करता है, ढाल दुश्मन के वार को रोकती है, हाँ अगर कोई तलवार चला रहा है तो रोकता है। तो अब हमारे लिए रोजा ढाल है, मतलब शैतान नफ्स जो हमको गुनाह में डालता है उससे बचाती है दुनिया में, और जो शख्स इस ढाल का इस्तेमाल करता है वो गुनाह से बचकर नेकी पर कायम रहता है, और आखिरत में ये एक चीज ढाल बनके इंसान को अजाब से बचाने वाली है। ये कह रहे हैं कि रोजे के फायदे में फायदे और हिम्मतों में ये अजीम शान चीज है, और यही चीज अल्लाह ताला की इस फरमान में बयान की गई है, यानी रोजा ढाल बनता है और ये तकवे के हुसूल का सबब बनता है। और ये तकवे के हुसूल अगर एक इंसान को हो जाए, ये ढाल बन जाए, तो रोजे के जितने भी फवायद हम पढ़ते हैं और कुरान के अंदर जो कहा गया लअल्लकुम तत्तकून, उन सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए रोजे के सारे फायदे इसमें आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में कहा कि रोजेदार को दो खुशियां मिलती हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और एक खुशी परवरदिगार से मुलाकात के वक्त, यानी एक खुशी दुनिया में एक मिलेगी, एक आखिरत में मिलेगी। दुनिया की खुशी के बारे में इन्होंने कहा कि आप इससे सोचिए कि रोजे की जब आदमी रोजा इफ्तार करता है तो वो उसको ये खुशी होती है कि आज के दिन मैंने अपने रोजे को मुकम्मल किया, अपने रब की ताबेदारी कर ली और अपने रोजे को खराब होने से बचा लिया, ये उसकी फितरी खुशी है। यहाँ हमको एक सबक ये मिल रहा है कि नेकियों में सच्ची खुशी मिलती है, नेकियों से ईद मिलती है, जब पूरा रमजान खत्म होता है तो ईद मिलती है, खुशी का दिन मिलता है। तो असली खुशी दुनिया में हासिल करनी है तो अल्लाह की फरमाबरदारी की जाए। दूसरा सबक हमको ये मिलता है कि रोजादार दिन पर अल्लाह के लिए खाना पीना लज्जत की चीजें और पसंद की चीजों को छोड़ता है। अब जब रोजा खुलता है तो उस वक्त उसको खुशी मिल रही है, इससे ये मालूम हुआ कि अगर अल्लाह के हुक्म से हम कोई कुर्बानी देंगे दुनिया में, कोई ऐसा काम करेंगे जो हमारे नफ्स पर भारी मुश्किल है, अल्लाह के लिए कुर्बानी दोगे तो जब हम उस कुर्बानी से फारिग होंगे हमको सच्ची खुशी मिलेगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और दूसरी जिंदगी, अल्लाह के रास्ते में अगर तकलीफ आती है ना तो ये तकलीफ आपको बाद में खुशी देगी, ये सबक मिल रहा है हमें। पूरी जिंदगी का मामला कभी कभी कोई कोई तकलीफ ऐसी होती है, कई कई साल आप मस्जिद, अभी हमारे बड़ा चंदगिरी मैंने सुना कि वहां मस्जिद बनाने जा रहे हैं, लोग तकलीफ दे रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, ये नशे को फराज नेक लोगों को जिंदगी में आना ही है। तो हमें रोजा ये सबक दे रहा है कि अल्लाह के लिए अगर हम तकलीफ उठा रहे हैं इखलास के साथ तो बिल आखिर हमको खुशी मिलने वाली है, वल्लाहु मुत्तकीन, मुत्तकियों के हक में अंजाम होता है। अब ये दुनिया में ये होता है और आज आखिरत में कह रहे हैं कि रब की मुलाकात के वक्त अल्लाह तबारक व तआला जब खुश होगा उसकी इज्जत करामत और उसका बदला हम देखेंगे। रोजेदार की हैसियत से अल्लाह हमें खुश नसीब लोगों में शामिल करे तो जब अल्लाह ताला वो अजर व सवाब दिखाएगा तो ये कयामत के दिन का अजीम शान खुशी हासिल होगी, उस वक्त की खुशी का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और दुनिया में जो रोजे की इफ्तार के वक्त खुशी होती है वो आखिरत की खुशी का एक हल्का सा इशारा और हल्का सा नमूना है। इसमें इशारा है कि रोजादार जब अपने फितर अपने इफ्तार के करीब होता है और उसे ये खुशी मिलती है तो उसके लिए जो दिन भर की मशक्कत शहवतों का छोड़ देना, हाँ वो चीजें जो झेली है उसने, उसके मुकाबले में देखे गौर करे तो ऐसी सूरत में उसको एक निशान आएगा। यानी अल्लाह के रसूल ये जो कह रहे हैं कि रोजादार दिन भर जब अपने ख्वाहिशात को छोड़ के शाम को जब रोजा इफ्तार करता है खुशी मिलती है तो ये लोगों को उभारा जा रहा है। कुछ लोग देखते हैं ना, कह रहे कौन लोग मुशक्कत उठा रहे हैं, जिनकी हालत में परेशान है, हमको काफी रहे, लेकिन इस खुशी को हासिल करने के लिए अगर हमारे दिल में तड़प हो तो ये खुशी हमें दिन तक दिन भर इस मुशक्कत को उठाना आसान बना देती है। कोई इसमें रोजा रखने की तलकीन करने के लिए निशात पैदा करने और हिम्मत को मजबूत बनाने की तरफ इशारा है। इसी तरह अल्लाह के रसूल का आखिरी जुमला जो हदीस में है रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी यानी मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। ये जब आदमी भूखा रहता है तो मेदे से एक खुमार और गैस उठती है। आमतौर से दुनिया के लोगों को ये बू जो है नागवार और बुरी महसूस होती है, लेकिन चूंकि ये बू जो मेदे से उठती है वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत और फरमाबरदारी की बुनियाद पर होती है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को रोजेदार के मेदे से उठने वाली ये बू बहुत पसंद होती है। और जो है इतनी पसंद कि हमें मुश्क और अंबर की मुश्क की जो खुशबू अच्छी लगती है उससे कहीं ज्यादा पसंद होता है।
یہ پوری حدیث پر آپ غور کیجئے، روزے سے متعلق اس کے احکام، فضائل اور اس کی امتیازی شان، اجر و ثواب، کئی چیزوں کو اور کئی آداب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن ایک حدیث میں چاہتا تھا کہ پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے احکام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اسے کما کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ اس کے آداب اور اس کے فضائل کے ساتھ رکھیں، اور اللہ تبارک